जौनपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर कांग्रेस नेता नाराज नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से छिंदवाड़ा में जाकर कमलनाथ का अपमान किया, वह बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जबलपुर शहर संस्कार धानी में शिवराज सिंह चौहान जो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, जिन्होंने कमलनाथ जी के खिलाफ अभी छिंदवाड़ा में जाकर अनाप शनाप बोला था, हम लोगों को पसंद नहीं कि वो हमारे आला अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के बारे में एक शब्द की टिप्पणी करें। जिस तरीके से आज हम लोगों ने काले झंडे दिखा के उन्हें यहाँ पे विरोध दिखाया है, दूसरी ओर उनका पुलिस बल ने हमारे ऊपर दुरुपयोग किया है, उसका हम विरोध करते हैं। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जितने बार जबलपुर आएंगे उतने बार हम विरोध करेंगे। अभी तो हमने हाथों में झंडे लिए थे काले, आने वाले समय में हम उनके लिए अपने हाथों में जूतों की माला रखेंगे। विष्णु विनोदिया जी, वो कलेक्टर के सामने मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको हिरासत में लेकर। अब ये विशेष मेरे को मालूम नहीं है, ये 5-6 लोग थे, अभी उनको हिरासत में थाने में रखा गया। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।